हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है, ऐसा पांच स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है जहां पर डिविडेंड के साथ में आपका पैसा हर 4 साल में 2 गुने से ज्यादा होता हुआ नजर आता है। 100% से भी ज्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं। इन स्टॉक्स की तरफ नजरें बनाइए, पिछले जब से यहाँ पर लिस्ट हुए तब से इस तरीके के रिटर्न दे रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। और कल की डेट में एक वीडियो में हमने टेक्निकल क्लासेस या कह सकते हैं इस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पर स्टडी करना शुरू किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कल हमने ट्रिपल बॉटम और डबल बॉटम से रिलेटेड बातें करी थी, आज एक और पर्टिकुलर पैटर्न है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, एग्जाम्पल दूंगा। ओके, उस तरीके से आगे चल के वहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, तो उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। बट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको पोजिशन लेनी है। प्ले लिस्ट को गो थ्रू करना है, इन वीडियोज को जाके देखना है, वीडियोज को जाके यहाँ पर देखिए, सीखने का मौका मिलेगा। और सीखने के लिए कोई ज्वाइंट बटन और कोई पैसे देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपली आपको वीडियोस जाना है, देखना है, लाइक करना है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना है। यहाँ पर प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए हमेशा की तरह। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में के रिलेटेड कुछ चीजें। तो हम जिस पैटर्न को आज प्रैक्टिस करने वाले उसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर नीचे से आपको ये इस तरीके से राउंड होता हुआ नजर आएगा, और शेयर देखिए यहाँ पर शेयर इस तरीके से नीचे, पहले तो ऊपर से नीचे जाता हुआ नजर आएगा, मतलब एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चालू होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद स्टॉक्स एक इस तरीके से एक लाइन्स बनाते, मतलब नीचे आते हुए एक थोड़ा थोड़ा और नीचे आते हुए, नीचे आते हुए इस तरीके से एक पैटर्न बनाएगा जो आपको घूमता हुआ नजर आएगा, राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि एक तरीके का ये यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब नीचे मतलब ऊपर से आया, ऊपर से आके यहाँ पर नीचे से ये गोलाकार इस तरीके से बना के, और इस तरीके से ये यहाँ पर ब्रेकआउट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर याद रखिएगा, एक इस तरीके की नेक लाइन हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन होती है और बनाते हैं, और उसके बाद इस लाइन को हम देखने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल का आना बहुत जरूरी है। रेड कैंडल है तो समझिए वहां पर नीचे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर से ऊपर जाना था, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता तो शायद ये ऊपर चला जाता यहाँ पर, बट यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाई तो नीचे गया, फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई तो यहाँ पर एक अंदाशा, यहाँ पर देखिए जब ऐसे इसने क्रॉस किया तो समझ में आया कि इसने एक रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है, जाने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर से बाइंग पोजीशन लेनी है, और बाइंग पोजीशन लेके यहाँ पर आप अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेड मतलब यहाँ से बाइंग पोजीशन ली और यहाँ पर से एक ब्रेकआउट हुआ और शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को आपको स्टिक रखना है, बट अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, तो देखिए जब इस तरीके का राउंड पैटर्न बनने की यहाँ पर होती है ना, तो आप यहाँ पर बीच में भी इसे पकड़ सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा, और यहाँ पर जो भी शेयर आप चूज करेंगे, पहली बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपने नीचे से ही यहाँ पर आसपास से यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करें, तो हम ब्रेकआउट तो हम देखेंगे ही। ओके, क्योंकि हम हमारा जो होल्डिंग पीरियड है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से वो 6 मंथ टू 1 ईयर का होता है, तो यहाँ पर ये 1 साल रख के अगर हमारा पैसा यहाँ पर अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है 20 से 30%, 40%, तो ऐसे स्टॉक्स को हम पकड़ते के रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरीके से दो स्ट्रेटेजी, एक या तो ब्रेकआउट को आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर राउंड बना रहा है तो इस तरीके से आप शेयर खरीद के वेट कर सकते हैं, और जैसे ही ऊपर जाए यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सब शेयर नीचे जाएगा और उसके बाद इस तरीके से एक राउंड पैटर्न बनाता हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ नजर आ जाएगा। कोई स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट पर पकड़ सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पर कैंडल बन रही होगी उसके आसपास यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट और उससे भी थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर होते हैं वो, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर एक कैंडल के आसपास लगी होगी तो वो हिट करा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लगा सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस तो हम यहाँ पर प्ले करते ही नहीं है, हम सिंपली यहाँ पर प्ले क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पर नीचे कोशिश करते हैं शेयर को, यहाँ पर जैसे ही घूम रहा है तो हम यहाँ पर खरीदते हैं, और खरीद के हम यहाँ पर ऊपर की तरफ वेट करते हैं, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम शेयर को बेचते हुए नजर आते हैं, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम लेते हैं और 30-40% का गेन मिल जाए, चुपचाप एग्जिट कर लेते हैं, और यहाँ पर 40% 50% के CAGR से यहाँ पर पैसा हम कमा सकते हैं। तो आइए
ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम यहाँ पर आज की डेट में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें राजेश एक्सपोर्ट को, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राउंडिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक राउंड बनाता हुआ नजर आया, और इस तरीके से ये शेयर सूनर और लेटर यहाँ पर इस पड़ाव को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। स्टॉक्स कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं है? तो ये स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, काफी बार इससे रिलेटेड बातें करी है, वीडियो भी होगी चैनल पे मुझे मिलेगी तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम तो बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर प्ले यहाँ पर इस शेयर को खरीद के थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं, और इससे भी अगर ऊपर गया तो यहाँ पर ऊपर के लिए भी हम रह सकते हैं। पहली बार पहला टारगेट ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आके यहाँ पर इस तरीके से आके यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पहले इस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से देखिए नीचे आया, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर नीचे आया, और नीचे आके यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये इस तरीके से घूमता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा था, बट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ नहीं, ओके। और ब्रेकआउट यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया, और थोड़ा सा यहाँ पर जब मार्केट गिरी तो ये शेयर भी नीचे गिरा, और जब ये शेयर अब दोबारा यहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे ये उठता हुआ नजर आएगा एक तरीके से इसे कप विद हैंड पैटर्न भी कह देते हैं, तो यहाँ से ये शेयर इस तरीके से भागता हुआ नजर आएगा, और सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होता हुआ नजर आएगा। तो जब यहाँ पर से ये इस पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस कर दे, याद रखिएगा इस पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस कर दे, और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ओके यहाँ पर ग्रीन कैंडल आए, तो समझ लीजिएगा यहाँ ब्रेकआउट ऑफ इट शेयर आपको बहुत जल्दी यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देते हुआ नजर आएगा। तो राजेश एक्सपोर्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में यहाँ पर इस तरीके के ट्रेड करने हैं, तो और यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो उस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये इस अगर ब्रेकआउट खेलना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर से जब यहाँ पर निकले ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ पर से आप बाइंग कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें अभी स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, और यहाँ पर बाई करके यहाँ पर पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट सूनर और लेटर जब बनता हुआ नजर आएगा वो हमारा बनता हुआ नजर आएगा, वो 30% के टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा फिर और दूसरे टारगेट के लिए हम जाते हुए नजर आएंगे। इस पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉक्स है साटिया इंडस्ट्री, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे काफी इंप्रेसिव यहाँ पर फंडामेंटल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर किसी को यहाँ खरीदना है यहाँ पर खरीद सकता है, यहाँ खरीद के यहाँ पर किसके लिए जा सकता है, इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए यहाँ पर जा सकता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जिगजैग मोशन में चलता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और ये ऊपर की तरफ हमारे टारगेट को अचीव कर लेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक यहाँ पर बनाता हुआ नजर आया था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से एक बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर एक यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया, और बट इसे ऊपर जाना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, बट हमने क्या बताया है कि यहाँ पर इसे क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनानी थी इसे, जो कि इसने नहीं बनाई, यहाँ पर रेड कैंडल बनाई और मार्केट भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, तो ये शेयर भी यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, और इसके बाद ये शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आया, और ये शेयर ऊपर की तरफ यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक पैटर्न और यहाँ पर बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न, जिसका टारगेट आपको पता ही है क्या होते हुए नजर आता है। तो दो तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको एक साथ समझा दिए कि यहाँ पर पहला टारगेट, और यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अगर जाते हैं तो यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर बाइंग करें, बाइंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेट करें, और वेट करके यहाँ पर जो टारगेट्स आएंगे वो यहाँ पर 44% के टारगेट आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से राउंडिंग नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर पूरा राउंडिंग बनाता हुआ नजर आएगा, नीचे आया इस तरीके का सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखिए एक लाइन बनती हुई नजर आ रही है, इस लाइन को समझ लीजिए, इस लाइन को समझ लीजिए, ये छोटा देखिए यहाँ पर देखिए छोटा सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से दो तीन यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको नहीं मिलेंगे।
दो एग्जांपल ही हो गए, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, सिम्फनी, सिम्फनी लिमिटेड, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये तो परफेक्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बना रहा है, एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। देख ही रहे यहाँ पर देखिए नीचे से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये शेयर नीचे से गिरता हुआ नजर आया, तो ये भी देखें यहाँ पर नीचे से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, और गिरने के बाद क्या हो रहा है देखिए, यहाँ गिरा और गिरने के बाद यहाँ पर एक राउंडिंग बनाया, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए दोबारा ये राउंडिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर राउंडिंग बना रहा है और धीरे धीरे ये राउंडिंग बना के ओके जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ये जो इसके पाइवेट्स पॉइंट्स है यहाँ पर समझ लीजिए, पाइवेट्स पॉइंट्स क्या होते हैं इस तरीके के, जो ये रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, इसे क्रॉस कर देगा या फिर इसे क्रॉस कर देगा ओके, यहाँ पर ये इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा जो कि मैं आपको बताया था, या तो इस लेवल को क्रॉस करेगा या फिर मेन इस वाले लेवल को जो क्रॉस करेगा, जो ये पाइवेट्स पॉइंट वाला है इसे क्रॉस कर देगा, तो समझ लीजिएगा वो भी ग्रीन कैंडल के साथ ओके। यहाँ पर जब आएगा और यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक बन, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के तो ब्रेकआउट समझिएगा, और ब्रेकआउट समझने के बाद ये जो टारगेट है ये यहाँ तक जाते हुए नजर आएंगे, जो कि ये अच्छे खासे टारगेट नजर आते हैं ओके। तो आपको हम होप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर कह क्या रहा हूँ, कि यहाँ पर से ये जाता हुआ नजर आएगा, सॉरी ये शेयर यहाँ पर इस तरीके से जाता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ, जैसे ये नीचे आया ऐसे ही ऊपर की तरफ ये लाइन बनाता हुआ नजर आएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे गया, यहाँ पर बॉटम बनाया और फिर इसके बाद यहाँ पर से ऊपर जाता हुआ, तो इस तरीके से बनाता हुआ नजर आएगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो जो कि इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें जिलेट इंडिया, जिलेट इंडिया की अगर हम बात करें तो जिलेट इंडिया में इसी तरीके का राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर वो राउंडिंग बॉटम एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हिट होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देना था बट ब्रेकआउट हुआ नहीं इससे ज्यादा, और यहाँ पर नीचे की तरफ आके यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये शेयर यहाँ से नीचे आया, इस चीज को समझिए, यहाँ से नीचे आया ओके, और नीचे आने के बाद यहाँ पर से इसने एक यहाँ पर बॉटम बनाया ओके, बॉटम बना के यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर से देखिए ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया ओके, यहाँ पर ही इसने सपोर्ट ले लिया, जो कि हम यहाँ पर बता ही रहे कि यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, उसके बाद अगर यहाँ पर इससे भी यहाँ पर ऊपर निकल जाता है ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना देता समझ लीजिएगा और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर से देखिए ये शेयर और नीचे आया और नीचे आके यहाँ पर देखिए कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर जाने की, और जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर से निकाल लेगा और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, तो समझिएगा यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और बड़ा ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर जो इसके प्रीवियस हाइज थे वहां तक भी ये जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा कल एक वीडियोज बनाई थी यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ट्रिपल बॉटम और डबल बॉटम से रिलेटेड समझाया था, तो अगर इस चार्ट को भी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट में यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये ओके, ये तो यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, फिर इसके बाद इससे ट्रिपल बॉटम, ये समझ लीजिए ट्रिपल बॉटम बनाया, और इस तरीके से शेयर यहाँ पर क्या निकल गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दो तीन चार्ट पैटर्न एक ही पर्टिकुलर शेयर में बनते रहते हैं, वो चीज आपको बस समझने की जरूरत है कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर निकल गया, कभी डबल बॉटम बना के ऊपर निकल गया, कभी यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न बना के यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा, तो इस तरीके से ही यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पर देखिए तो ये बनाता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज को तरफ ध्यान दीजिए, और इस तरीके से ही ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देते हैं। तो चार स्टॉक्स साटिया, सिम्फनी, जिलेट और राजेश एक्सपोर्ट की तरफ नजरें बनाइएगा, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकते हैं, और इस तरीके के ही चार्ट पैटर्न यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ब्रेकआउट पे खेलना है, ब्रेकआउट पे खेलिए, आपको नीचे से खेलना है तो नीचे से खेलिए, आपकी मर्जी है, और स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और ये राउंडिंग बॉटम आपको समझ में आया कि नहीं आप कमेंट कर दीजिए, ताकि और आपको अच्छी तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की जाए। बाकी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, इस वीडियोस को जाके देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।